But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज की न्यूज मार्वल फैंस के लिए काफी खास होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है। मार्वल फैंस काफी टाइम से उम्मीद कर रहा था कि कॉमकास्ट बहुत बीच में टांग अड़ा रही थी, वो कुछ करने नहीं दे रहा था डिज्नी को। फाइनली डिज्नी ने आज मॉर्निंग में चोरी छुपे मीटिंग करी फॉक्स से, और फॉक्स को उसने एक ऐसा ऑफर दिया जिससे कि फॉक्स मुझे लगता है कि अब मना नहीं कर पाएगा, और शायद वे भी वो जल्दी से डील कंप्लीट भी कर ले। तो फाइनली डिज्नी ने इतना अच्छा ऑफर दिया है कि कोई भी मने नहीं करना चाहेगा। तो डिज्नी ने जो ऑफर दिया है 71.3 बिलियन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, और इससे पहले कॉमकास्ट ने ऑफर दिया था 65। इसका मतलब अब शायद फॉक्स एग्री हो जाए डिज्नी से हाथ मिलाने के लिए। और यार, फॉक्स को अच्छी तरीके से पता है अगर वो मार्वल स्टूडियो यानी डिज्नी से हाथ मिला लेता है तो कैरेक्टर उनके पास उनको वापस चले जाएंगे, और देन पिक्चर बनाने में काफी आसानी रहेगी। और इसके अलावा डिज्नी और फॉक्स की डील हो जाती है तो हमें वो सारे कैरेक्टर एक साथ देखने को मिलेंगे, और मार्वल फैंस में एक अलग ही जोश होगा मूवी देखने का। अगर ये चीजें सारी फ्रेंचाइज कॉमकास्ट को चली जाती तो मार्वल फैंस मूवी देखेंगे ही नहीं, क्योंकि पिक्चर का यूनिवर्स ही अलग हो जाएगा, मूवी देखने में मजा नहीं आएगा। बट ये सारी चीज अगर फॉक्स मार्वल को बेच देता है तो काफी अच्छा रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि 71.3 बिलियन बहुत ही अच्छा ऑफर है डिज्नी ने दिया है, और फाइनली उन्होंने ये फैसला काफी सोच समझ के लिया है। और ये सारे कैरेक्टर अगर वापस मिल भी जाते हैं डिज्नी को तो जलवा हो जाएगा। जी हाँ, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और देन गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर जो करके हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।